हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि क्या बनाने वाले हैं। तो मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे बेस के लिए केक बोर्ड ले लिया है। ये राउंड पूरा शेप का होता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है, नहीं तो आप इसकी जगह कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बैक साइड में कार्डबोर्ड लिया है, क्योंकि मैं इसको मजबूत करना चाहती थी, इसलिए मैंने कार्डबोर्ड ले लिया ताकि ये दोनों मिक्स होके मोटा हो जाए। कार्डबोर्ड में मैं छेद कर रही हूँ, आप किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हैं। मैं छेद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर धागा डालना है। ये मैंने ऊन ले ली है, ये मैं किस लिए डाल रही हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, मेरी वीडियो देखते रहिए। और इसे मैं अंदर डाल दूँगी और पीछे की तरफ एक नॉट बांधूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ करूँगी, जो मैंने दोनों छेद किए थे दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही करूँगी, और दोनों को बैक साइड में आपस में एक दूसरे में बांध देंगे, जिससे ये बहुत मजबूत हो जाए, हार्ड, जिससे ये टूटे नहीं और निकले नहीं। अगर हम एक दूसरे में बांधेंगे तो ये निकलेगी नहीं। मैंने ये ऊन बैक वाले कार्डबोर्ड पे लगाई है जो मैं बैक साइड लगाऊंगी। ये मैंने हैंग करने के लिए रखी है, जिससे इजीली हैंग हो जाता है। अब हमने जो केक बेस लिया था उसके शाइनिंग पार्ट पर मैं फेविकोल लगा दूंगी और इसको आपस में चिपका देंगे। हम शाइनिंग पार्ट पर पेंट नहीं कर सकते क्योंकि उससे निकलने का डर रहता है, इसलिए हम इस पार्ट को चिपका देंगे और बैक साइड जो पार्ट था उस पर हम अच्छे से काम करेंगे। दोनों कार्डबोर्डों को आपस में चिपकाने के बाद मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ इनके किनारों पे चिपकाने के लिए। ये इसकी वजह से आसानी से चिपक जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी और बहुत फिनिशिंग वाला लुक देंगी। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और उसमें वॉल पुट्टी डाल दी है। इसमें मैं फेविकोल डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी। हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अच्छे से मिक्स करते रहना है। मिक्स करते करते ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा और इसको हमने जो कार्डबोर्ड तैयार किया था उसके ऊपर फैला देंगे। इसकी जगह पे आप जैसो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सारा पेस्ट मैंने कार्डबोर्ड पर फैला दिया है और मैं अपनी फिंगर की मदद से इस पे स्पॉन्ज स्पॉन्ज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिनिशिंग लुक नहीं चाहिए, थोड़ा सा उभरा उभरा लुक चाहिए। अब मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले ले ली है और इन दोनों के जो हार्डनर और होता है उसको मिक्स कर लूँगी आपस में, और मिक्स करने के बाद हम इसको शेप देंगे। मोल्डेड क्ले की हेल्प से हम यहाँ पे नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेम के अल्फाबेट्स लिख रही हूँ, आप अपने तरीके से जिस तरीके से लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले नहीं है तो हमने जो वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाया था उसको एक पन्नी में भर के उसकी कोन बना के आप उससे भी नेम लिख सकते हैं। मैंने ये अपने भैया भाभी के लिए बनाया था एनिवर्सरी गिफ्ट, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप इस तरीके के किसी को भी बना के दे सकते हैं, बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, वेडिंग के लिए, हर तरीके का बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अब हमारा बेस सूख गया है तो इस पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रही हूँ, आपका जो फेवरेट कलर हो, जो आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे दो कलर यूज़ करूँगी, अंदर की तरफ मैं येलो कलर कर रही हूँ, बाहर की तरफ मैं पिंक कलर करूँगी। हमारा पेंट कंप्लीट हो चुका है, तो चलो बढ़ते हैं आगे की स्टेप की तरफ। तो मैंने एक पेपर ले लिया है और उस पर मैं ब्राउन कलर का पेंट करूँ। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, कॉफ़ी कलर, कोई भी। मैं पुराने नोटबुक के पेपर
की तरह इसको बनाना चाहती हूँ, तो जो उनका वेडिंग मंथ है मैं वो लिख रही हूँ और पूरा चार्ट इस पर बना रही हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसको साइड से फाड़ना स्टार्ट कर दूंगी। अब आप सोच रहे होंगे फाड़ना क्यों है, क्योंकि हमें इसे पुराना ऑथेंटिक लुक देना है, इसलिए फाड़ना तो पड़ेगा। अब हमारा कैलेंडर भी बनके रेडी हो गया, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमने जो मोल्डेड क्ले से नेम लिखे थे अब उनको पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना है तो आप इसकी जगह स्प्रे पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे पार्ट्स हमारे पेंट होके रेडी हो गए हैं, अब इन्हें चिपकाना स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे फेविकॉल की मदद ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हॉट ग्लू ले सकते हैं। तो इन्हें अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। मैं हिमांशु लिख रही हूँ, तो एक एक करके सारे वर्ड्स चिपका देंगे। मैंने यहाँ पे दो क्यूट क्यूट से हार्ट भी बनाए थे, आप इसकी जगह स्टिकर भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस बहुत प्यारा लगना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो कैलेंडर बनाया था अब उसको चिपका देंगे। कैलेंडर में 28 तारीख डालना तो भूल ही गई, तो चलो उसकी जगह हार्ट चिपका देते हैं, क्योंकि वो है उनका वेडिंग डे। अब मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले की मदद से ग्रूम और ब्राइड बना रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस राउंड शेप लेना है और हेड बना देना है, और नीचे की तरफ मैंने चकोर शेप की बॉडी बना दी है और लंबे लंबे पैर बना दिए हैं। आपको जो इजी लगे आप वो बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है ब्राइड और ग्रूम बनाना, आप नॉर्मल भी ऐसे बना के छोड़ सकते हो। कैलेंडर की जगह आप नॉर्मली डेट डाल सकते हो, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आपको जैसा आपका DIY बनाना है इजी प्रोसेस में, वैसा आप उसको बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड भी तैयार हो गई है, उसका जूड़ा भी बन गया है, और जूड़े के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो भी रेडी हो गए हैं। मैंने छोटे छोटे रोल्स बना के इस पर चिपका दिया है, और किसी भी चीज़ से आप इसको शेप दे सकते हैं। मैं पेंसिल की मदद से इसको डिज़ाइन दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया और एक चौड़ी सी लेस ले ली है, तो कपड़े के ऊपर मैं लेस चिपका दूंगी। आपको जिस अकॉर्डिंग, तो आपकी ब्राइड है छोटी है बड़ी, उस अकॉर्डिंग आप कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लिया है और हम यहाँ पे इसको पेंट कर लेंगे, इसका हेड वगैरह बॉडी वगैरह पेंट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी आपका चीज़ें रह गई हैं, जो भी आप डेकोरेट करना चाहते हो उसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। वो प्रोसेस पूरा होने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और ऊन ले ली है, इससे हम टसल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 50 से 80 राउंड्स ले लिए हैं, और इसको थ्रेड की मदद से हम कट करके बांध देंगे। टसल्स बनाना बहुत इजी होता है, बाकी प्रोसेस आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने और बना लिए हैं अलग अलग कलर के। हमने जो लहंगे के लिए कपड़ा लिया था उसके हमने प्लेट्स बना के उसको चिपका लिया है। आप सिल भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, आपको जो इजी लगे। और इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे जो हमने ब्राइड बनाई थी। साइड में भी फेविकॉल लगा देंगे ताकि चिपक जाए, फेविकॉल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ऊपर की तरफ मैं लेस यूज़ कर रही हूँ जो हमने प्लेट्स बनाई थी उनके ऊपर, ताकि वह छुप जाए। और इसके चुन्नी के लिए मैं वही लेस का एक छोटा सा टुकड़ा यूज़ कर रही हूँ, साइड का कटा हुआ, उसको ऊपर हाथ की तरफ और नीचे लहंगे की तरफ चिपका देंगे। अगर आपके पास बड़ी नेट की चुन्नी है तो आप सर से पूरा नीचे तक उसे चिपका सकते हैं।
कार्डबोर्ड के किनारे पे मैं मोती की लेस लगा रही हूँ, आपके पास मोती हो आप वो भी चिपका सकते हैं। तो बारी आती है टसल्स की, तो मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड के नीचे की तरफ टसल्स चिपका रही हूँ हॉट ग्लू की मदद से। यहाँ पे मैंने दो कलर के बनाए हैं, पिंक और येलो, क्योंकि मेरा जो कार्डबोर्ड का बेस था उस पे हमने पिंक और येलो कलर किया था। तो उनको और अच्छे से चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप चिपका रही हूँ। ऊपर की तरफ थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो मेरे पास जो रोजेस थे मैंने वो चिपका दिए हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हो। देख लीजिए इसका फाइनल लुक। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।